बहुत सारी है असम में खेती। ये अच्छा गेट पर ही अगरबत्ती जला रहे हैं। गुड मॉर्निंग, आज ये गुड मॉर्निंग मैं बाहर से कह रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग की शुरुआत मैं बाहर से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं और मेरा एक फ्रेंड एक जगह जाने वाले हैं। तो आज ये फैमिली वाला ब्लॉग नहीं होगा मेरे इस ब्लॉग पर, मैं थोड़े बाहर की चीज़ें दिखाऊँगा। वो जगह कौन सी होगी वो मैं आप लोग को पहुँच कर ही बताऊँगा। तो अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड का, वो आ चुका है, वो रहा आ रहा है, तो उसके साथ ही जाऊंगा। ये रहा मेरा फ्रेंड, इसके साथ ही जाऊंगा। से हाय। अभी हम चल चल के एक जगह रुके हैं, रुकने का कारण यही था कि यहाँ पे खेती हो रही है। अभी जो मौसम चल रहा है वो खेती का है, तो बहुत सारे लोग खेती में धान लगा रहे हैं। तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, मेरा कैमरा इतना तो सपोर्ट नहीं करेगा, पर फिर भी ट्राई करूँगा कि आप लोग को वो दृश्य दिखाएँ। तो चलिए बैकग्राउंड से दिखाते हैं आप लोग को दृश्य। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ छोटा ट्रैक्टर चल रहा है, वो वहाँ वहाँ और यहाँ बड़ा बड़ा दो ट्रैक्टर चल रहा है और लोग लगा रहे हैं धान। ये नेगेट ऐसे खूबसूरत लग रहा है देखने के लिए, मेरा कैमरा इतना जस्टिस नहीं करेगा, बट फिर भी दिखाने की कोशिश किया। तो हमें फाइनली जहाँ आना था वहाँ पहुँच तो गए, बस हम एक चीज़ जानने के लिए आए कि वो चीज़ खुले है, खुला है कि नहीं। मतलब देवपानी मंदिर, हमारे यहाँ एक बहुत ही माँ दुर्गा का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है देवपानी। तो वहाँ हम आए थे देखने के लिए कि खुला है कि नहीं, क्योंकि सोचे थे कि अगस्त में आएंगे पूजा करने के लिए। तो इसलिए मैं और मेरा एक दोस्त हम लोग आए चेकआउट करने में, तो पता चला कि बंद है मंदिर, खुला नहीं है। तो अभी मंदिर से थोड़े आगे आकर एक बैठने का जगह है, और दिन में यहाँ बहुत ही भीड़ होता है, पार्किंग एरिया है। तो इस पार्किंग एरिया पर हम आके बैठे हैं, बस यहाँ मैं और मेरा दोस्त है और कोई नहीं है चारों तरफ देख सकते हो। तो इसलिए मैंने मास्क और ही चश्मा खोल दिया। तो अभी जाते समय मैं आप लोग को मंदिर का गेट भी दिखाऊँगा और वहाँ का कुछ दृश्य दिखाऊँगा, दुकान सारी जो बंद है वो सब दिखा दूँगा। तो बने रहिए इस ब्लॉग पे। तो जो ये फील्ड, एक मिनट मैं एक्सपोजर ठीक करता हूँ, फिर भी इतना अच्छा नहीं आ रहा है, एक्सपोजर ज़्यादा है क्योंकि मेरा मोबाइल का कैमरा है यार, समझा करो। तो ये जो खाली मैदान जो देख रहे हो, ये मैदान में, ये फील्ड में जब कोरोना के पहले बहुत सारे गाड़ियाँ हुआ करती थी, जो पार्किंग एरिया है दुर्गा माँ की, जो मंदिर है देवपानी की, यहाँ पे लोग आके अपने गाड़ी पार्क करते थे, जो शादी करने आते थे उनका भी गाड़ी यहीं पार्क होता था, यहीं पे खाना वाना बना के खाते थे। बट अभी का माहौल कुछ देख सकते हो, एकदम खाली, मधुमक्खी। बट अभी का माहौल देख सकते हो। चलो तो मैं बैक कैमरे से आप लोग को दिखाता हूँ कि क्या माहौल है। यहीं पे चूल्हा था, यहीं पे खाना बनाते थे लोग, और ये फील्ड जो देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे पार्किंग होती थी गाड़ियों की और लोग यहाँ पे बैठते थे। ये वेटिंग शेड है, यहाँ वो वहाँ पे एक है, और जो पेड़ देख रहे हो आप लोग पेड़, और वहाँ वो जो है वो पानी की टंकी है, वहाँ पे लोग पैर हाथ धोते थे, वो पानी का व्यवहार करते थे पीने के लिए। तो अभी पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। वेल, अब तो हम यहाँ से जाने के लिए निकल पड़े, यहाँ बैठे थे थोड़ी देर इंतज़ार किए, ये दोस्त का एक दोस्त आया था, बस अब निकल रहे हैं। तो निकलते समय जो मंदिर का गेट है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे बंद पड़ा है, वहाँ पे पूरे सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ठीक है, निकलते हैं। सारी दुकान देख सकते हो, सारी दुकानें बंद पड़ी है। इस कोरोना काल ने सभी का, छोटे से लेकर बड़े व्यापारी को, बहुत ही कष्ट दिया है। सारी दुकान बंद है। तो हम फाइनली एकदम मंदिर के गेट के सामने आ गए। ये रहा मंदिर का गेट, देखिए बंद पड़ा है, अंदर तो जा नहीं पा रहे, बाहर से ही माता रानी को, जो भी उनके दिल में श्रद्धा है, यहीं से पूजा कर रहे हैं। और दुकान सारी भी बंद है, बस कुछ एक एक जो यहाँ के लोकल्स हैं वही खोल रखे हैं। तो ये कुछ दृश्य है, मैं थोड़े बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाता हूँ।
ये रहा आप देख सकते हो मंदिर के परिसर में, मतलब गेट ही खुला नहीं है तो मंदिर में लोग कैसे जाएंगे, कब खुलेगा कुछ ये तो सरकारी को पता है। ये रहा दृश्य, लोग बाहर से ही गेट पर ही अगरबत्ती जला रहे हैं। ठीक है, जो हमें दिखाना था, हम खुद भी आने वाले थे इसलिए एक बार आकर देखना चाहते थे कि मंदिर में मंदिर बंद है कि खुला है, तो हमें पता चला कि मंदिर बंद है और ये सारी दुकानें भी पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है, सन्नाटा पसरा है। और यहाँ जो चापत्ती बगान है मैं उसके अंदर भी जाके कुछ सुंदर दृश्य आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली कड़ी। वेल, हम तो देवपानी के जो ब्रिज है, जो नदी है, देवपानी नदी जिसे कहते हैं, वहाँ आ गए पर वहाँ जा नहीं सकते, वो नीचे नदी बह रही है। हम दिखाएंगे उस ब्रिज से, एक्सपोजर ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं, उस ब्रिज से हम दिखाएंगे आप लोगों को। इस सीढ़ी से देवपानी नदी में जा सकते हैं नीचे, ये जो नदी में गए, तो एक बार चलता हूँ आप लोगों को नज़दीक से दिखाता हूँ। अभी कुछ अच्छा नहीं है तो फिर भी ऐसे जाके आते हैं। तो ये जो आप लोग देख रहे हो यही है ये नदी, और ये देवपानी हाईवे वाला ब्रिज नहीं है, ये देवपानी मंदिर के पीछे वाला जो है नदी उसके ऊपर ये ब्रिज बना है, और इधर पे है हाईवे वाला ब्रिज। तो कुछ पानी बरसा होने के कारण पानी साफ भी नहीं दिख रही और गंदा भी है, तो ठीक है चलते हैं जंगलों के बीच से। आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं वीडियो, तो सपोर्ट करो भाई को यार, आप लोग के सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। अल्टीमेटली अब मैं आ गया इस ब्रिज के ऊपर, इस तरफ को जाएंगे तो हम लोग देवपानी मंदिर की तरफ जाएंगे, और इस तरफ को जाने से एक पता नहीं कुछ गेस्ट हाउस तरीका है, मुझे नहीं पता क्या है वो, और इधर से ये नदी बह के आ रही है, इधर को ये नदी जा रही है, तो कुछ इस प्रकार का सीन ही है। माहौल बहुत ही अच्छा है, हवा बहुत ही मस्त चल रही है, तो इसका आनंद मज़ा लग रहा है, धूप होने के बावजूद भी अच्छा लग रहा है। वो मेरा दोस्त पीछे पीछे आ रहा है और मैं अपने गाड़ी के ऊपर बढ़ रहा हूँ। तो चलिए अब सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। फिर मैं कहाँ पर हूँ अभी, मैं एक टी स्टेट पर हूँ, टी गार्डन पर हूँ। देख रहे हो आप लोग इतना सारा दूर तक चाय की खेती, हमारे असम फेमस ही है चाय के लिए। तो मैं जहाँ पे हूँ ये तो एक दृश्य छोटा सा है, ऐसे बहुत सारी है असम में खेतियाँ चाय की। तो मैं सोचा मैं जहाँ आया था आप लोग को थोड़ा दिखा दूँ इस खेती को, तो चलिए थोड़ा बैक कैमरे से भी थोड़ा देख लीजिए आप लोग। ये सारी चाय की पत्तियाँ देख सकते हो आप लोग, ऐसे करके ये पूरे दूर तक। एक बार 360 व्यू देख लीजिए आप लोग, जहां मैं खड़ा हूं वो चाय बगान के अंदर हूं। फाइनली अब यहाँ से हम निकलेंगे घर की ओर, जिस मकसद से आया था वो मकसद पूरा हो गया। हमें मंदिर के बारे में जानना था कि मंदिर खुला है कि बंद है, तो जानकारी हासिल कर लिए। उसके साथ ही हमने मंदिर जब आए तो सोचा एक वीडियो भी बना लूँ, क्योंकि मैं आजकल डेली व्लॉग कर रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो बनाया। ये चारों तरफ मेरे मंदिर के सामने ये चापत्ती की बगाने हैं, तो बना लिया। तो ठीक है अब निकलते हैं सीधे घर की ओर, क्योंकि अब कहीं रुकना नहीं है, हो गया हमारा जो काम था। तो ये मेरा फ्रेंड है, से हाय।